नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर के लोगों के जज्बे को देखकर अब नगर के सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आगे आकर किया जा रहा है आर्थिक सहयोग। सागर जिले के जैसी नगर में गर्मी के मौसम में भारी जल संकट से लोगों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम के आते ही नगर के सभी जल स्रोत सूख जाते हैं, यहाँ तक कि नगर का ऐतिहासिक तालाब भी पूरी तरह सूख जाता था। इसी को देखते हुए नगर के लोग आगे आए और बरसात के पानी को सहेजने के लिए नगर के तालाब में श्रमदान और चंदा इकट्ठा कर पिछले 3 वर्षों से तालाब का गहरीकरण का कार्य किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले वर्ष में जहाँ जहाँ तालाब का गहरीकरण किया गया वहाँ इस भीषण गर्मी के मौसम में पानी है और ये पानी मवेशियों के पानी और लोगों के खर्चे के काम आ रहा है। इसके साथ ही नगर के जल स्रोतों का भी जल स्तर बढ़ा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गाँव के लोगों द्वारा तालाब गहरीकरण का कार्य पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है। गांव के लोगों के जज्बे को देखकर अब नगर के लोगों के साथ ही सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा भी तालाब गहरीकरण में आर्थिक मदद की जा रही है। देखिए, नेताओं के भरोसे हम लोग 20-25 साल से देख रहे हैं। यहाँ पे कई नेता आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। इसके पहले जो कृषि मंत्री रामकृष्ण कुमारिया राज जी रहे, वो भी लंबी चौड़ी घोषणा करके चले गए थे, लेकिन वास्तविक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद हाँ, स्थानीय विधायक जो पारुल साहू जी रहे हैं, उनकी तरफ से जो पहल शुरू हुई उसी के चलते जो जन सहयोग से कार्य प्रारंभ हुआ वो आज भी चल रहा है और अब नेता लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं इसकी तरफ। जो गांव के लोगों की एकता को देखते हुए अब नेता भी आ रहे हैं और अपनी तरफ से घोषणाएं कर रहे हैं और सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। गत वर्ष चुनाव की वजह से कुछ ज़्यादा सहयोग मिला, इस वर्ष चुनाव है नहीं आसपास तो थोड़ा कम है सहयोग, लेकिन हाँ फिर भी आ रहे हैं और घोषणा करके जा रहे हैं। पूरा जन सहयोग है और जनता के द्वारा पूर्ण रूप से हम लोगों समिति के लोगों को सहयोग किया जा रहा है। जनता, सरकारी कर्मचारी, अन्य गांव के लोग और हमारे मीडिया के लोग, पत्रकार बंधु सभी इसमें बढ़ चढ़ के हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमारे ये ट्रैक्टर वाले भाई बंधु हैं जो, वो भी लगातार तालाब के काम में मिट्टी जो बाहर निकाल रहे हैं। जैसी नगर से गुलाब कोरी की रिपोर्ट।